आपने अपने माता पिता को ये कहते हुए सुना ही होगा कि जब वे छोटे थे तब चीजें हमेशा सस्ती हुआ करती थी। उस समय एक लीटर दूध की कीमत सिर्फ 9 रुपए थी, अब आपको उसके लिए लगभग 60 रुपए देने पड़ते हैं, और एक पैंट जो आपने सिर्फ 5 साल पहले 1000 रुपए में खरीदी थी वो आज आपको 1500 रुपए में पड़ेगी। इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन वस्तुओं की कीमतों में राइज है, जिसका अर्थ है कि उतने पैसे से आप आज की तुलना में कल कम खरीद पाएंगे। सीधे शब्दों में कहें, आपके पैसों का मूल्य हर गुजरते दिन के साथ घटता जा रहा है। इसलिए यदि आपके बचत खाते में रखे पैसे आपको 4% रिटर्न देते हैं और इन्फ्लेशन की दर उससे ऊपर है, तो ये अनिवार्य रूप से आपके पैसों के मूल्य का नुकसान है। इसका अर्थ ये है कि आपको या तो बाद में चीजें कम मात्रा में खरीदनी होगी, आपको कम चीजें खरीदनी होगी, या उन पर अधिक खर्च करना होगा। अब ये समझना महत्वपूर्ण है कि इस बचत के साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स भी दोनों इन्फ्लेशन से प्रभावित होते हैं। हालांकि जब इन्फ्लेशन आपकी बचत को खा जाता है, तब आपकी इन्वेस्टमेंट के पॉजिटिव रिटर्न आपको इन्फ्लेशन के प्रभाव से निपटने में मदद कर सकती है। तो स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना ही सोल्यूशन है, जिससे आपका पैसा आपका ध्यान रखने का काम कर सके, आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ेगी और बढ़ती कीमतों के प्रभाव को कम करने में मदद करेगी। इसलिए आपको बस समझदारी से इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले फाइनेंशियल रिटर्न्स को हर बार इन्फ्लेशन को बीट करना होगा। अंततः आप कौन बनना पसंद करेंगे? कोई ऐसा व्यक्ति जो मुश्किल से अपने पैसों की वैल्यू बढ़ाता है, या सबसे स्मार्ट व्यक्ति जो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट चॉइसेस चुनता है और इससे धन संपत्ति बनाने में कामयाब होता है? चुनाव आपका है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Mutual fund investments बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।